अंदर से दाड़ बहुत ज्यादा गोली गाली मंगा ली। परिवार तो आप हो मेरा जो इतना प्यार कर रहे हो और इतना सपोर्ट कर रहे हो। दादी हेलो जी, राम राम, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और हम भी एकदम ठीक है। तो गाइस ये मेरी मम्मी बैठी है यहाँ पे, राम राम जी सारे मेरे, या मेरी दादी बैठी राम है, राम जी सारे हरियाणा। तो भाई घर का थोड़ा बहुत काम कर लिया है और अभी मेरी मम्मी जान लग रही है बाहर। आप लोगों को बताएंगे मेरी मम्मी कहाँ जान लग रही है। और आप लोगों ने बोला था भाई कपड़े खुंटी पर टांग देना, तो हमने वो कपड़े भी खुंटी पर टांग दिए। देखते हैं कि भाई क्या कुछ होता है। और मेरी मम्मी ने जाना है पंडित के पास और कुछ पूछने कि भाई हमने सारा जो सामान आपने मतलब बोला था पंडित ने वो दे दिया है, अब और कुछ पूछते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहना और आप लोग हमें ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करना जैसे कर रहे हो गाइस। तो भाई बच्चे को दूध पिला देते हैं अब। दादी हाँ। दे दे मेरे पास, अब मैं दूध पिलाती हूँ। ले ले प्यारे, चल जाओ मम्मी मेरे घर। जाए आप पूछा जो कुछ कुछ बताओ दादी की नहीं। दादी जी सारी कुछ कर दी ठीक सर सारी ले कर दी। दादी बैठ चलो खड़े और फिर मारो लग रही पानी ले ओके सारे की दूध प्यारे फिर देंगे रो है ही सारी पूछ के सुमार कर सारी जो कुछ बताओ याद कर कर रखिए। हाँ मारे टेंशन बुझ जाएगी मेरी जुड़ी कुछ रास गया। चल कोई नहीं फिर मैं जाऊँ चुप हो जाओ। सारी खोल कर पूछ का ये है ना। हाँ फिर आए। हाँ दादी ये कपड़े कपड़े तैर ले रुआ उठ रहे आंधी आ रही है वो तो मम्मी भी आने वाली हो रही है। फिर तारू मैं कपड़े ही तारू थी। तैर ले ये तो शाम सूख रहे होंगे कर ले सारे बितर गिर कर ले तय करने के उदो से तय कर ले। और के वो ले आई थी सेब गुन्नू के लिए खा लेगा कितने दिनों के फ्रूट भी नहीं खा लेगा दे जा खैट बैठ के कादी फाड़ बच्चा ने उसने भी खा लेगा वो भी बेचारा जमा परेशान हो गया। कपड़े सूख के तो कौन नहीं थोड़े थोड़े रह गए सूखे नहीं। परेशान हो रही होगी चाह चू रख के करके तैयार गोली गाली मंगा ले उसकी दर्द दुर्द की जाड़ा में तो बतेरा औखा काम है मुश्किल है रोटी पानी भी तंग रहा है खान पीन तो भी उन्हें टेंशन में बढ़ रही है सारा दिन टेंशन भी करेगा हम पूरी अपनी करेंगे बताओ ये भी करेंगे उसका। हाँ आ गए मम्मी और अच्छा पानी पूनी लिया दीदी तो पानी पहले पानी पानी लिया लिया और तड़के की जहरी जमान दुखी दिखाई और जमा लिए बहुत दुख लग गए जमा आगे बैठी पानी लिया चलके गए जारी और जमा थक गए जमा भीड़ हुई तो नहीं भीड़ हो रही थी जमा थक गए बड़ी मुश्किल नंबर आए ये करा भी अपना उसमें करना पड़ा है भी कुकर करा हो आई बात है कि मेरा जुड़ा दिहाड़ी भरने ही पड़ा है करने ही पड़ा है तो कोई तो कोई नहीं व्यक्ति टेंशन नहीं लेगा और आ जाएगा कोई नहीं को एक बारी और जाना पड़ेगा फिर देखो ये भगवान की कराएंगे हम तो प्रार्थना से सुना हमारी परमात्मा मैलक सच्चा कह दिने के घर में जमा मामले साथ ना जी लगता ना कुछ बच्चे हैं ये सारे दिन पापा पापा रखा फिर इसकी बुआ तो इसके बुफे कहा और आँख में और अनुका थी वह मैं कल ना आ जाऊँगी उसका भी करना ही पड़ा सामना पड़ा हो भी
बहू जा रही है इधर। मेरी मम्मी तो आ गई है घर और मेरी बुआ चले गए अपने घर। मेरी बुआ यहाँ नहीं आ सके क्योंकि उनको अपने घर में भी काम था। और जो मेरे फूफा जी है मेरी बुआ के पति, उनकी आँख में पता नहीं क्या हो रखा है, चोट लग रखी है, पता नहीं अपने आप दुख रही है, आँख बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो मेरे बुआ बोले कि हम एक दो दिन में आएंगे। अभी तो मेरी बुआ ने अपनी बेटी को भेज दिया और मेरी बुआ भी घर चले गए अकेले थे। मेरे फूफा जी उनका ध्यान भी रखना है, तो मेरी बुआ की बेटी रहेगी भाई दो तीन दिन हमारे साथ, हमारा मन सा लगा रहेगा क्योंकि आजकल बिल्कुल अजीब सा लग रहा है घर में भी। तो क्या बोलते हैं, मेरी बुआ की बेटी रहेगी हमारे साथ। और पंडित ने क्या बोला, मम्मी बोली भाई पंडित जी ने से बोला कि आ जाएंगे वो घर, आप टेंशन मत लो, बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा। और बिल्कुल ठीक है, हम इतने पंडित के पास जाना गए मतलब पता नहीं 6-7 दिन हो गए, इतने पंडित मतलब बहुत सारे पंडितों के पास चले गए, सारे यही कहने लग रहे आ जाएंगे। और अभी तक कुछ आए तो है नहीं, अब पता नहीं आगे क्या होगा। हमारे को तो इतनी टेंशन हो रही है ना, इतने दिन हो गए और अभी तक कुछ भी नहीं पता चल पाया उनको, बताएं क्या तो बताएं क्या ना बताएं, इतनी टेंशन हो रही है। टेंशन तो लेनी पड़ा, क्या करा, मेरा तो मन भी टिकाना पड़ा है अपना, भी करना पड़ा है, क्या करा। भगवान सुनेगा करेगा, हम तो कहो इन कहे अपनी टेंशन ना लो, दादे सुनेगी देवी माई करेगा अपनी, करना तो ईशो ने दाता ने, टेंशन तो बतेरी है क्या करा। नहीं तो भगवान का हथ बात है यार, सुनागा मन तो इसे प्रार्थना कर रहे हम, तो इसे पर ध्यान ले रहे हैं बस, हले मैं तो अपना दिल टिका रही हूँ परमात्मा तो उ करिए मेहरबानी। तो भाई हम बैठे हुए हैं अभी बाहर और मेरी दीदी फोन में बात कर रही है, मेरी बुआ का फोन आ रहा कि सब ठीक ठाक है, टेंशन मत लो। और मेरी मम्मी सब्जी काटने लग रही, पकड़िए थोड़ा सा इसमें अगर कल छोड़ो उठा छोड़न जा। आज दिन भर जो आप लोगों के साथ दिखाया, और मतलब जब मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ ना तो मेरा दिल इतना खुश हो जाता ना, थोड़ा सा मतलब मैं इतना अंदर से अच्छा फील करती हूँ ना जब मैं ये कमेंट पढ़ती हूँ। अपनी बहनों के जो मेरी माता है जो मुझे अपने बेटी की तरह प्यार कर रहे हैं, मतलब मेरे भाई है जो मतलब ऐसे बोलते हैं कि हमने दीदी आपके लिए व्रत रखा आपके पति के लिए, हम माता रानी से प्रे करेंगे, हम दुआ करेंगे, मतलब कि मैं कैसे आप लोगों का धन्यवाद करूँ, मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा है। मम्मी का समय खुद बोल रहे हैं, मैं ना इतनी मतलब इतना प्यार करने वाले हैं मुझे मेरे परिवार के सिवा भी, सबसे मेन परिवार तो आप हो मेरा, जो इतना प्यार कर रहे हो और इतना सपोर्ट कर रहे हो मुझे। जब मैं कमेंट पढ़ती हूँ ना कि हौसला रखो, तो मुझे सच में थोड़ा सा मुझे अपने मन को मैं समझा लेती हूँ कि नहीं मेरे पति ज़रूर आएंगे। जब आप लोग इतनी दुआएं कर रहे हो, इतनी दुआएं दे रहे हो और मतलब बस बोलते हैं हौसला रखो दीदी आपके अभी ज़रूर आएंगे, तो मतलब और मैं ये भी कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से अच्छा आप लोगों के मतलब ब्लॉग बनाऊँ दिखाऊँ, पर मेरे इतनी हिम्मत नहीं है भाई क्योंकि मेरे पति गए और इतने दिन हो गए वापस नहीं आए, तो भाई पर मैं कोशिश करूँगी, मैं हार नहीं मानूँगी, मैं हार मानने वालों में से है ही नहीं, मैं स्ट्रॉन्ग बनूँगी बिल्कुल, क्योंकि मुझे पता है मेरे पति एक ना एक दिन घर जरूर आएंगे, ऐसा नहीं है कि मुझे छोड़ के चले जाएंगे, भाई हमने बहुत प्यार किया और आएंगे मुझे पता है। बस आप लोग अपना सपोर्ट ऐसे ही करते रहिए और नए प्यार देते रहिए गाइस, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।